हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे डेली करेंट अफेयर। आज है 30 नवंबर और हम पढ़ेंगे 29 नवंबर की डेली करेंट अफेयर। और आप ये पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। ये अभी नया चैनल स्टार्ट किया गया है मेरा पावर पॉइंट स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे 29 नवंबर की करेंट अफेयर। ईरान, नंबर पहला पॉइंट है ईरान। ईरान जो कि देश है, ईरान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिया। वाह, एक देश है अजरबैजान। इन लोगों के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। किस चीज़ के ऊपर? गैस के ऊपर। त्रिपक्षीय समझौता, त्रिपक्षीय समझौता। त्रिपक्षीय समझौता हुआ है जिसके तहत तुर्केनी ईरान तुर्केमेनिस्तान ईरान तुर्केमेनिस्तान से गैस लेगा। कितनी गैस लेगा? ये लेगा दो बिलियन क्यूबिक मीटर गैस लेगा। और ये हर साल खरीदेगा, प्रति वर्ष खरीदेगा। किससे खरीदेगा? ईरान खरीदेगा तुर्कमेनिस्तान से। और अजरबैजान को ये पेमेंट करेगा, मतलब ये इसको पे करेगा, ठीक है। और ये इससे गैस लेगा। कितनी लेगा? 2 मिलियन क्यूबिक मीटर। उस त्रिपक्षीय समझौते के तहत अजरबैजान प्रति दिन कितनी? 5 से 6 मिलियन क्यूबिक क्यूबिक मीटर प्रति गैस बचाएगा। मतलब ईरान तुर्किस्तान से गैस खरीदेगा और पेमेंट किसको करेगा? अजरबैजान को, जिससे अजरबैजान प्रतिदिन 5 से 6 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस बचाएगा, ठीक है। ये हो गया आज का पहला पॉइंट। दूसरा, गुजरात को फिलहाल में अभी गुजरात से फिर देश को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। गुजरात को 14 हजार करोड़ गुजरात को 14 हजार करोड़ रुपए दिए गए। किस लिए? इसमें 12 समझौता ज्ञापन। और किसने दिया? आगामी इसको दिया BGGS 2022। ये एक सीमेंट है जिसका नाम है वाईवेज गुजरात ग्लोबल सीमेंट। इसमें गुजरात को 14 हजार करोड़ रुपए दिए गए। और ये इसमें इसकी बात 12 समझौते ज्ञापन है। उसमें 12 समझौते ज्ञापन को अभी फ़िलहाल में उजागर नहीं किया, मगर इसको 14 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं इसके तहत 2022 के तहत VGGS 2022 के तहत गुजरात को 14 हजार करोड़ रुपए दिए गए 12 समझौते के तहत। और ये 12 समझौते कौन कौन से हैं? ये भी गुजरात सरकार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, मतलब बताया नहीं गया कि कौन कौन से 12 समझौते हैं। LIC ने रिजर्व बैंक द्वारा LIC
किसने? एल आई सी ने कोटक महिंद्रा बैंक, एल आई सी ने रिजर्व बैंक से इजाज़त मांगी। क्यों मांगी, किस लिए, किसको? कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक एल आई सी ने इससे मंजूरी ली रिजर्व बैंक से। किस लिए? क्योंकि कोटक बैंक में इसको अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है। कोटक बैंक में इसको अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी हो। कितनी हिस्सेदारी बढ़ानी है? इसके पास अभी कितनी थी? इसको अपनी कोटक बैंक में अभी, इसके वर्तमान में नहीं, पहले पहले इसकी हिस्सेदारी थी 4.96 सौ में से। अब इसमें कोटा एल आई सी ने रिजर्व बैंक से अपनी वो मांगी कि भैया हमें इसमें और ज़्यादा वो चाहिए, क्या बोलते हैं, हिस्सा चाहिए। तो रिजर्व बैंक ने इसको मंजूरी दी कितने परसेंट, अभी वर्तमान में इस 100% का 5% और इसका 9.99%, मतलब 4.96% का 9.996% बढ़ाने के लिए इसने रिजर्व बैंक से मंजूरी मांगी। रिजर्व बैंक ने इसको मंजूरी दे दी और पहले इसकी हिस्सेदारी कितनी थी 4.96, अब है कि 5% हिस्सेदारी किसकी, 100 में से, ठीक है, और एलआईसी के पास। और ये हिस्सेदारी कब तक थी, ये भी बहुत डेट इम्पोर्टेंट है, ये थी 30 सितंबर तक 2021 और अब ये लागू हो गई, अभी फ़िलहाल में ये लागू हो गई, ठीक है। ये वाला तो हो गया होगा, गुजरात नहीं, गुजरात का तो हो गया, ठीक है। अब आया पेमेंट, पेटीएम तो सभी चलाते होंगे, पेटीएम में फ़िलहाल में एक बहुत अच्छी चीज़ करने वाला है। पेटीएम क्या करने वाला है, अपना एक कार्ड लॉन्च करने वाला है। क्या करने वाला है? एटीएम कार्ड। पेटीएम अभी एटीएम कार्ड लॉन्च करने वाला है। ये एटीएम कार्ड कहाँ का यूज़ हुआ है, इसके यूज़ कहाँ होंगे, ऑनलाइन पेमेंट, शॉपिंग वगैरह कहीं पे भी कर सकते, ऑनलाइन पेमेंट, ऑफलाइन शॉप, ऑनलाइन पेमेंट और ऑफलाइन शॉप, मेट्रो अलग है रेलवे अलग है। उसमें राज्य मतलब राज्य केंद्र शासित द्वारा, स्टेट लेवल के किसी भी टैक्स मतलब कर में, मतलब किसी भी प्रकार के टैक्स वगैरह, जैसे कुछ भी, जैसे अपन लोग वो है गाड़ी से जाते हैं तो अपन को उस टैक्स पे करना पड़ता रोड वाला, वो दे सकते हैं। इससे बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं, टोल, उसको टोल कहते हैं। और पार्किंग शुल्क भी इससे दे सकते हैं। और सबसे बड़ा यूज़ इस एटीएम कार्ड का यूज़ पैसे निकालने में भी कर सकते हैं, मतलब पैसे एटीएम से निकल सकते हैं इससे, इस एटीएम कार्ड के थ्रू। मतलब अपन को सिर्फ बैंक अकाउंट लिंक करना है और अपने पास बैंक अकाउंट का एटीएम नहीं है, तो पेटीएम जल्द ही अपना एटीएम कार्ड लॉन्च करने वाला है, जिसके तहत अपन ऑनलाइन पेमेंट, ऑफलाइन पेमेंट, मेट्रो, रेलवे, स्टेट लेवल कर, टोल प्लाजा, टोल प्लाजा जैसे, पार्किंग शुल्क और ऑफलाइन शॉप कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये अभी जल्द ही शुरुआत उसमें, और इसमें बहुत सी चीज़ों का भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। ये तो याद हो गया होगा आपको, जल्दी से नोट कर लो उसको। अंबुजा सीमेंट है लो कार्बन के लिए, अंबुजा सीमेंट तो बहुत लोगों के घर पे भी, अंबुजा सीमेंट लो कार्बन। अब सीमेंट क्या होता है, सीमेंट में हाई कार्बन यूज़ होता है, जिससे हाथ वगैरह फट जाते हैं, और मतलब कहीं पे भी यूज़ करो तो ये लो कार्बन, मतलब कार्बन इसमें ज़्यादा होता तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती, ठीक है। तो इसलिए अंबुजा सीमेंट ने लो कार्बन सीमेंट के लिए, लो कार्बन
से बने सीमेंट को, बने अभी बना नहीं है, बनाने के लिए किसको? आईआईटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली को सहयोग किया है, मतलब अंबुजा सीमेंट लो कार्बन से बने सीमेंट की, सीमेंट को बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली को कह रहा है कि आप हमें अंबुजा सीमेंट बना के दीजिए, और वो भी अंबुजा सीमेंट नहीं, सीमेंट बना के दीजिए जिसमें लो कार्बन हो। उस अंबुजा सीमेंट के साथ साथ इसमें इस सीसी सीमेंट ने भी इस चीज़ की पहल की है, मतलब हाँ ठीक है, मतलब आप अगर ऐसा करते हो हम भी इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। और कहाँ की? दिल्ली, आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली के पास गए हैं। एक वैक्सीन मरियम, वैक्सीन मरियम वेस्ट का एक वैक्सीन आई है फिलहाल, एक वैक्सीन है, वैक्सीन कोविड वाली वैक्सीन ही है, वैक्सीन मरियम, वैक्सीन मरियम क्या का नाम है इसका, बेविसेस्टर 2021 को वर्ल्ड ऑफ द ईयर, वर्ल्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। किसका मिला? वैक्सीन मरियम बेविसेस्टर, बेविस्टर को किसका अवार्ड मिला? वर्ल्ड ऑफ द ईयर, किसका अवार्ड? वर्ल्ड ऑफ द ईयर, मतलब इसको दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस वैक्सीन का, ठीक है। और ये इसकी ये 2020 में इसकी जो मतलब जो ख़रीदने की वो थी ना, वो 600 गुना परसेंट, मतलब कंपनी के शेयर प्रोडक्शन, कंपनी का प्रोडक्शन, कंपनी ने इस वैक्सीन को 601% तक इसका निर्यात बढ़ा दिया, तभी इसको मिला वर्ल्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अभी आरबीआई ने एक बहुत अच्छी चीज़ की, आरबीआई तो जानते हो, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। आरबीआई ने आरबीआई ने फिलहाल में एक बहुत अच्छी चीज़ की है, अच्छी भी बोलो बुरी भी। आरबीआई ने अपनी निजी बैंकों में हिस्सेदारी, मतलब आरबीआई ने जो निजी बैंक होंगे सभी निजी, पंजाब हुआ, इंडियन बैंक हुआ एक्सेट्रा, जो निजी बैंक है उसमें अपनी हिस्सेदारी क्या बढ़ाई, अपनी हिस्सेदारी, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर इसने 15% से 26% करने वाला है। ये कुछ ही टाइम बाद इसने बोला कि भैया आप अपन लोग, ये लोग पैसा लेके भाग जाते, इसलिए अपनी आरबीआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाया इसने 15% से 26%। इससे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी, आर्थिक रूप से इससे लोगों को लाभ मिलेगा। किससे? आरबीआई अगर अपनी हिस्सेदारी 15% से 26% बढ़ा लेगा तो इसको बहुत ज़्यादा इसको बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर जैसे ये पैसा लेके भाग गए तो आरबीआई के पास इनका पैसा स्टॉक रहेगा, और जब स्टॉक रहेगा तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और इससे देश में जैसे बेरोजगारी वगैरह बढ़ती है ना, तो इसके लिए सरकार फंड लॉन्च करेगी तो आरबीआई से ही लेगी, जिससे आरबीआई के पास पैसा भी ज़्यादा होगा। अभी भारतीय परिवार हुई फाउंडेशन, अभी फ़िलहाल में भारतीय पर्वतारोही, फिलहाल में भी कौन है फाउंडेशन, भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की अध्यक्ष एक महिला अध्यक्ष बनी। कौन महिला अध्यक्ष बनी? इन महिला का नाम है हर्षवंती विष्ट। इसको भारतीय पर्वतारोही को क्या कहते हैं? भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन IMF, इसमें भारतीय
पर्वतोरी फाउंडेशन की पहली बार एक महिला वो बनी, क्या बोलते, अध्यक्ष। उन महिला का नाम है हर्षवंती पृष्ठिया। और ये क्यों बनाएंगे इनको, क्योंकि इनको इनको बनाया गया क्योंकि इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। और इनको अब ये मतलब पहली बार है अभी देश में कोई भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की कोई भी महिला अभी अध्यक्ष नहीं बनी थी, जो कि पहली बार बनी। इनका कहीं पे भी पूछा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये किस, इसमें ऐसा ही पूछ सकता है IMF के भी फिलहाल में बनी पहली महिला कौन है अध्यक्ष, बताइए। हर्षवंती पृष्ठिया। चीन ने अभी फ़िलहाल में, चीन ने भी एक बहुत बढ़िया, चीन ने फ़िलहाल में चीन ने क्या किया है, चीन ने एक नया एक चीन ने जू होंग HD नया उपग्रह, ये क्या है, एक नया उपग्रह है, उपग्रह है ये किस चीज़ के लिए, संचार के लिए इस उपग्रह का लॉन्च किया, और ये किसके लिए किया, संचार के लिए, संचार व्यवस्था के लिए हवाला देकर इसने इस चीज़ का, इस चीज़ को लॉन्च किया। और कहाँ से क्या, सिंचुआन प्रांत से इसको लॉन्च किया। और किस सैटेलाइट से लॉन्च किया, सिंचुआन प्रांत, इस प्रांत से इसने जिंगचोंग सैटेलाइट सैटेलाइट सब स्टेशन से लॉन्चिंग सेंटर, मतलब ये लॉन्चिंग सेंटर है, ऐसी बात नहीं है, सब स्टेशन या लॉन्चिंग सेंटर, यहाँ से इसने इस चीज़ को लॉन्च किया और यह सीरीज का। और यह किन के द्वारा लॉन्च किया, ये किसने इसका इनका निर्माण किया, चोंग मार्च सीरीज का है ये, चोंग वांग इनके द्वारा ये बनाया गया, मेड। डायरेक्टर वगैरह नहीं होता कि भैया ये चीज़ लॉन्च करो, इन्होंने लॉन्च किया इनके करियर का, मतलब चोंग मार्च सीरीज के करियर का ये 399वां लॉन्च था, जो भी सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया, कौन सा था, 399 का सर हुई सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। अभी राष्ट्रीय एक कोरियोग्राफर तो जानते हो कि विजेता कोरियोग्राफर एक दक्षिण साउथ इंडिया के कोरियोग्राफर थे जिनका नाम था शिव शंकर। इन्होंने क्या किया, इनका निधन हो गया और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थे एक, इन्होंने कोरियोग्राफी में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था ये, इन्होंने कोरियोग्राफर की थी, ये कोरियोग्राफर हैं जिनका नाम है शिव शंकर। इन्होंने साउथ इंडिया में एक मूवी की थी जिसका नाम था मगधीरा, और ये 2009 में की थी इस मूवी में जो कोरियोग्राफर की थी, इसके लिए इन्होंने को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका निधन हो गया। इन्होंने भारत की दस भारतीय भाषाओं में फिल्मों की, दस भारतीय भाषाओं में कितनी फिल्में की, 700 मूवी। सात सौ मूवी से अधिक की
700 मूवी से अधिक की और इनका फिलहाल में निधन हुई। राष्ट्रीय क्रायोग्राफर SS मार्लर की, और ये मूवी किसकी थी? मगधीरा मूवी के कोई तो डायरेक्टर रहे होंगे, इसके डायरेक्टर कौन थे? SS राजामौली डायरेक्टर थे SS राजामौली। इन्होंने दो और इन्होंने किस गीत पे की थी, मतलब इस मूवी पे इन्होंने कोरियोग्राफर की थी, उसमें गीत भी किया था, उसमें गीत कौन सा था? धीरा धीरा गीत। मूवी की भी कोरियोग्राफर की इन्होंने पूरी पूरी मूवी की कोरियोग्राफर की, और ये मूवी के धीरा धीरा गीत में इन्होंने बहुत बढ़िया कोरियोग्राफर की, इसलिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और ये कहाँ पर, साउथ इंडिया की मूवी में जीता था। अभी फ़िलहाल में 29 तारीख को एक फिलीपींस के लोगों ने 29 नवंबर को फिलीपींस के लोगों ने एक डे मनाया, इंटर नेशनल ऑफ सोली डे ली, जिसका थीम ये था विद द फिलिपिस्तान पीपल, मतलब कि यहाँ के लोगों ने इंडिया फिलिपिस्तान के लोगों ने एक वो मनाया, यहाँ पे एक डे मनाया 29 नवंबर को, इसका नाम रखा इंटरनेशनल ऑफ द सोलिटी विद द फिलिपिस्तान पीपल। मतलब ये लास्ट पॉइंट था, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ओके फ्रेंड्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब आपकी क्लास कल होगी।